नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से रिएक्शन करने उतर आए हैं मैदान में। मेरा नाम है किक बटोस्की। वो क्या है ना कि रोज रोज गंदा रहता था, आज नहीं आया तो मैंने सोचा मैं ही शुरू कर देता हूँ। तो शुरू करते हैं रिएक्शन करना। ये वीडियो है अनम शेख का और देखते हैं कि इसमें पाकिस्तानियों ने क्या बातें की। हेलो व्यूअर्स, दिस इज मी और अनम शेख वाच माय YouTube चैनल। व्यूअर्स, आज एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि जहां पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी, पाकिस्तान के गिरते हुए रिजर्व और पाकिस्तान की कम से कम कर एक्सपोर्ट के साथ इम्पोर्ट भी हो गई है। मैं बात करूँ पड़ोसी मुल्क ब्राजील में हम अलग हुए, आज उन्होंने दुनिया में रिकॉर्ड कायम करना शुरू कर दिए हैं। उनके $300 बिलियन एक्सपोर्ट क्रॉस कर गई है उनके सर्विस सेक्टर में। और उसके अलावा अगर हम किसी और की भी बात करें तो मेड इन इंडिया ही नजर आता है। मैन्युफैक्चरिंग उनकी इतनी ज्यादा लोकल हो गई है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें ऐसे सिनेरियोज नहीं नजर आ रहे। और एक बड़ी बात बताते चलो कि पाकिस्तान में 17 घंटों के बाद जहां बिजली आई, अब 1 घंटे के बाद बिजली जाती है। उसके अलावा पाकिस्तान को कल बिजली के शॉर्टेज की वजह से $70 मिलियन का नुकसान हुआ है। और इंडिया से उन्होंने कहा है कि भाई हम ले सकते हैं, और इंडिया ने भी एक ऑफर दी है। क्या पाकिस्तानी आवाम इसको एग्री करेंगी? क्या सिचुएशन है? क्या हम ट्रेड परमानेंट करें या फिर ट्रेड अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया से ही करना शुरू कर दें? तो चलते हैं पाकिस्तानी आवाम की तरफ और मिलते हैं वीडियो के एंड पे। भी तो नहीं हो रही बिल्कुल, मेरा भी इम्पोर्ट का काम है, एक्सपोर्ट का तो हमारा नहीं काम, इम्पोर्ट का काम है। इम्पोर्ट का काम हमारे बिल्कुल जो है ना वो बस में नहीं रहा, बिल्कुल बस में नहीं रहा। अगर हम पहले की बात करें तो क्या लगता है कि पहले जो सिचुएशन थी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी, तब एक्सपोर्ट कितनी होती थी पाकिस्तान से अदर ममालिक? वो अच्छी थी। अरे भैया, किस दुनिया में जीते हो आप? आपके कब ज्यादा ट्रेड थे या कब आप एक्सपोर्ट में बहुत आगे थे? आपके एक्सपोर्ट उतने ही थे जितने आप इम्पोर्ट करते थे। इस समय आप सबसे ज्यादा डेफिसिट में है। आज ही की न्यूज है, आपका रुपया कौड़ियों के दाम का हो चुका है। डॉलर के मुकाबले आपका रुपया बहुत नीचे गिर चुका है। खान साहब के टाइम से जो थी वो अच्छी थी, अब तो जीरो। किन चीजों में थी एक्सपोर्ट? जो मैं अपनी फील्ड की बात करूं तो हमें तो रिलीफ था उसमें, तो अब तो जो है ना वो कुछ रिलीफ नहीं है। अगर हम टेक्सटाइल के अलावा या किसी और चीज के अलावा बात करें तो सिर्फ 2-3 चीजें हैं जो कि एक्सपोर्ट में आती है। क्या लगता है आपको कि हम लोग मेड इन पाकिस्तान पे क्यों नहीं काम कर रहे? ये करना चाहिए, आपकी बात बड़ी अच्छी है, मेड इन पाकिस्तान पे काम करना चाहिए। सर अगर अभी की बात करूँ तो 2 दिन हो गए हैं बिजली की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। $70 बिलियन का कल एक बहुत बड़ा लॉस हुआ पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। क्या समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी की वजह से? अभी हमारे जो फॉरनर जो बैठे हुए हैं या बाहर जो बैठे हुए हैं, वो लोग कहा जा रहा है कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि एक बहुत बड़ी ऑफर दिया इंडिया ने हमें, और ये कहा है कि भाई पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है हमसे आप ले लें। क्या क्या हमें लेनी चाहिए? बिजली लेनी चाहिए, इंडिया के पास खुद बिजली नहीं है तो वो हमें क्या देगा? सही बात है, हमारे देश में कहाँ बिजली होती है भाई? हम लोग अंधेरे में जीते खाते पीते, पुरातन व्यवस्था चल रही है, हम लोगों के पास कहाँ बिजली है? कभी उम्मीद भी मत रखना, हम कहाँ से देंगे? पाकिस्तान तो इतना रिच है, वहाँ तो कभी बिजली भी नहीं जाती। ये जो बिजली कटौती हो रही है, समय अंधेरे में जी रहे हैं, ये तो अल्लाह की रहमत है। ये तो ये लोग चाहते हैं कि ऐसे रहे, नहीं तो इन लोगों के पास बिजली की कमी है। ये लोग तो पूरे विश्व को बिजली से नहला दे चाहे तो। भारत के पास कहाँ है यार बिजली? हम लोग बस 9% हाई पर जाएंगे 2035 तक। बिजली हमारी कंजप्शन सबसे ज्यादा होगी चाइना के बाद। हम लोग तो छोटे मोटे देश है, सबसे बड़ा देश तो पाकिस्तान है, इनके पास कमी है क्या? देखो ना कितनी ज्यादा बिजली, थोड़ी मोड़ी बिजली कटती उतने में रोने लगते हैं। भाई सही बोल रहा है, वहाँ पे एक टाइम भी बिजली नहीं जाती। नहीं जाती क्या? ये आपकी बात है, रिपोर्ट के मुताबिक बात कर रही हूँ कि वहाँ पे एक टाइम नहीं जाती, 300 यूनिट वहाँ फ्री दिए जाते। मुझे भी थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन उधर उनके बहुत से इलाकों में, बहुत से देहातों में बिजली नहीं है। आप कह रही हैं कि वो मेरे हिसाब से इंडिया से बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सर फिर वो ऑफर क्यों कर रहे हैं अगर उनके पास बिजली नहीं है? वो इंडिया, आपको पता है इंडिया है, वो ऑफर ऐसी हजारों विदाउट किसी चीज के कोई ऑफर थोड़ी करता। आपके पास अगर माल होगा, सामान होगा तो ही आप किसी को ऑफर करेंगे ना। विदाउट सामान तो आप किसी को ऑफर नहीं कर सकते ना कि हमसे ले। मेरी जो 50 मैं मेरी एज है, एक इसराइल से और इंडिया से बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए। आ गया ना औकात पर भाई, इसराइल और इंडिया से बिल्कुल कुछ नहीं होना चाहिए, ट्रेड नहीं होना चाहिए। दिखा दिया ना मदरसे छाप वाली पढ़ाई का नतीजा, क्यों नहीं होना चाहिए ये भी बता दे। क्योंकि भैया ये इस्लाम के पूजक है, और यहूदी, इसराइली और इंडियंस, हिंदू, इन लोगों से हम ट्रेड कैसे करेंगे? हमारे जूते हमारे सर पे नहीं पड़ जाएंगे? अल्लाह इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा इसके लिए। भूखे मर जाएंगे, घास खा लेंगे, लेकिन इन लोगों से कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल मत करो भाई, ये तो अच्छी बात है, मर जाओ लेकिन कभी ट्रेड मत करना। वैसे भी तुम लोगों को तो जन्नत जाना ही है, तो ऐसे ही जाओ ना। अगर आप इसराइल की बात करें तो मैं आपको बताती चलो, ये मोबाइल हर एक तरह की टेक्नोलॉजी हम इसराइल की यूज करें, फिर आप क्यों कर रहे हैं या कोई क्यों कर रहे हैं?
हम चाइना की करते हैं, हम इजराइल की करते हैं। ये आपकी गलत फहमी है कि आप चाइना की कर रहे हैं। जितनी भी इस टाइम हम टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो इजराइल की है। हमें अनएजुकेशन की वजह से पता नहीं है। अगर हम मुकम्मल एजुकेशन लें, हमें एजुकेटेड किया जाए तो हमें हर चीज का पता चले कि हमारे हाथ में जो चीज है वो सिर्फ इजराइल की है। आपकी बात मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन हमें मेड इन पाकिस्तान यूज करना चाहिए। सर हम नहीं कर रहे ना, हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से करेंगे। तो ये मेड इन पाकिस्तान नहीं है तो फिर क्या आपके ऑप्शन, आपके पास क्या रहता है कि क्या ऑप्शन है? फिर इंडिया ऑप्शन नहीं है, इजराइल ऑप्शन नहीं है, और बहुत से ऑप्शन है। अगर हम बात करें इस टाइम की तो एक्सपोर्ट की बात करें तो इस टाइम एक बहुत बड़ी न्यूज है कि भाई पाकिस्तान की गिरती हुई मुश्किल से मुश्किल तर सिचुएशन रिजर्व इकोनॉमी, और वहां हमें दुनिया में बदनामी मिल रही है। वो किस तरह से कि जो हमारे साथ बड़सगीर में जो अलग हुआ उसने रिकॉर्ड कायम कर दिए सारे, और आज इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है पाकिस्तान की सिचुएशन पे कि पाकिस्तान को ये हालात फेस करने ही पड़ने। हंस रहा है, क्या समझते हैं कि वो ऊपर जा रहे हैं हम नीचे आ रहे हैं? सही कह रही हैं आप, सिर्फ वो ऊपर जा रहे हैं हम नीचे आ रहे हैं, क्यों? नहीं, ये सही कह रही हैं आप, ये हमारी बदकिस्मती है। हमारे सियासतदानों को ये सोचना चाहिए, हमारे मुल्क के जो करता जाता है उनको सोचना चाहिए। हाँ, सारा ठीक रहा, सियासतदानों पे ठोक दो, तुम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है। अभी अपनी मदरसा छात्र सोच देखी थी, जैसी तुम्हारी सोच है ना वैसे ही तुम्हारे सियासतदानों की सोच है। वो भी किसी से ट्रेड नहीं करते, वो तो इसराइल को कंट्री नहीं मानते, वो तो ऐसे ऐसे काम करके बैठे हुए हैं, बिलियंस की कार खरीद रहे हैं, लेकिन तुम लोगों के लिए कुछ नहीं करेंगे वो। क्योंकि जैसी जनता होती है ना, सियासतदान भी वैसे ही मिलते हैं उनको। तो जैसे आप लोग वैसे आपके सियासतदान, तो पहले भाई आईने में अपना चेहरा देखो, बाद में अपने सियासतदान को कोसना। बिल्कुल सोचना चाहिए। आपको सिचुएशन ऐसी रही तो हम किसी भी ऐसी वैल्यूएबल कंट्री में शामिल हो पाएंगे? नहीं, ऐसी सिचुएशन में तो नहीं हो सकते। पहले तो बहुत ज्यादा होते थे, आते थे कंटेनर वगैरह हमारे, और अब जो है अभी तो मुकम्मल बैन लगा दिया इन लोगों ने। हमारे जितने कंटेनर है वो कराची पोर्ट पे फंसे हुए हैं, उस पर डैम रेट डिटेंशन ये सब कुछ आ रहा है, तो हम बहुत लॉस में जा रहे हैं। बात करें एक्सपोर्ट की तो क्या लगता है किन चीजों को हम एक्सपोर्ट करते थे? हमारा तो अपना ब्रांड है ना चैंपियन के नाम से, हम वो ओवरऑल मैं आपको बता दे चलो, ओवरऑल अगर हम देखें सिर्फ दो ही चीजें हैं, टेक्सटाइल और उसके अलावा हम लोगों के स्पोर्ट्स। तो इन दोनों के अलावा मेड इन पाकिस्तान बहुत कम नजर आता है। क्या रीजन था जो कि पाकिस्तानी हुक्मरान मेड इन पाकिस्तान पर काम नहीं करते, बल्कि बाहर से लग्जरी चीजें यूज करना और मंगवाना पसंद करते? हाँ, इसी तरह हमारे मुल्क के ये जितने हुक्मरान है वो बाहर की तरफ बहुत सोचते हैं, और अपने पाकिस्तान की तरफ कोई भी नहीं सोचता। तो हमें चाहिए कि कोई अच्छा सा हुक्मरान आए। हमने देखो इमरान खान को भी आजमा लिया, दूसरे को भी आजमा लिया, बस अल्लाह करे कि पाकिस्तान को बचाने वाला एक अच्छा इंसान आ जाए। मैं बात करूं आज के न्यूज की तो एक इंटरनेशनल मीडिया पर बहुत ज्यादा धूम मचाई हुई है, और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की गिरती हुई इकोनॉमी पाकिस्तानी लोगों और पाकिस्तानी हुक्मरान की वजह से, और ऐसा ही होगा इन पाकिस्तानी लोगों के साथ। और ये भी कहना है कि अगर हम देखें तो बड़सगीर में जब पड़ोसी मुल्क इंडिया से हम अलग हुए तो आज वो कहाँ पर खड़े हैं, हम आज कहाँ पर खड़े हैं। उनकी जो आज की रिपोर्ट है वो ये है कि भाई $300 बिलियन उन्होंने एक्सपोर्ट में क्रॉस कर दिए हैं, $300 बिलियन। क्या समझते हैं कि इतनी बड़ी अमाउंट वो क्रॉस कर रहे हैं और दुनिया में वो अपना नाम बनवा रहे हैं? क्या गलत किया उनसे अलग होके? हमने बहुत हमसे तो अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान पे तकरीबन 40 साल 45 साल जंग आ गए है ना, तो वो तो डिफॉल्ट ही था, वो हमसे बहुत बेहतर हो गया है। उसकी करेंसी जो है वो आप चेक कर दे, हमारी एक हमारे 3 रुपए और उसके 1 रुपए, वो तो हमसे आगे। इंडिया आप देख ले, वो भी हमसे बहुत ज्यादा आगे चली गई, और बंगाल देख ले, बांग्लादेश वो देखो, हमारे जुनूबी हमसे ही निकले हैं, वो कितने आगे जा रहे हैं। वाहिद पाकिस्तान है कि ये नीचे जा रहा है। क्या रीजन? ये रीजन ये है कि ये हुक्मरान जितने भी है, सिर्फ हुक्मरान हम लोग ठीक है, और हम लोग भी इसमें है। अगर हमें कोई अच्छा सा बिजनेस आ जाता है कि इसमें कमाने ज्यादा है, और तो वो रेट हम बढ़ा देते हैं, ये हमारी भी गलती है। हुक्मरान नहीं है इसमें, जजेस भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, जितने भी। अगर हम बात करें कि बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग कहते हैं कि मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी ये चीज है कि वो करप्शन नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो ये नहीं करता, वो ऐसे गलत काम नहीं करता। क्या लगता है कि ऐसा है? भाई ये तो मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी मुस्लिमों के मुंह से सुना हुआ है, बीइंग अ मुस्लिम वो बहुत ईमानदार होते हैं, निडर होते हैं, जज्बे वाले होते हैं, लेकिन भाई सब उल्टा नजर आता है। सबसे बड़े कायर होते हैं, सबसे बड़े झूठे होते हैं, सबसे बड़े दोगले होते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में क्यों है?
मुझे कोई पाकिस्तानी बताए कि अल्लाह की रहमत कहाँ चली गई, क्यों भाग गई अल्लाह की रहमत, आप पे नज़र ही नहीं पड़ रही अल्लाह की। पता है क्यों? क्योंकि जो आपने जुल्म किए हैं, जो आपने परेशान किया है ना वहाँ पे माइनॉरिटी के साथ, उसका हिसाब मिल रहा है आपको। और आप इस्लाम की तो बात ही छोड़ दो, इस्लाम का ई भी नहीं पता, और आप सबसे बड़ी दोगली कौम हो जिसका हर जाना अब आप भुगत रहे हो। नहीं, इस तरह तो नहीं है। क्यों नहीं है? वाहिद मुसलमान है कि वो सिर्फ कलमा बोलता है मगर कलमे पर जाता नहीं है कि इस कलमे के नीचे क्या है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की, तो इस टाइम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक मुल्क है जो चाइना अमेरिका के बाद इंडिया आ रहा है, और बहुत ज्यादा उनके एक्सपोर्ट बढ़ गया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर कल की बात करें, $70 मिलियन का हमें नुकसान हुआ था इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से, उस पर हम लोगों के एक बहुत बड़ी ऑफर दी थी इंडिया ने कि हमसे ले लो, और उसके अलावा ये भी कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जो फॉरन बैठे हुए हैं उन्होंने भी कहा कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। क्या आपको लगता है, एग्री करते हो? मैं तो कहता हूँ कि ये करें तो अच्छा है। कि करेंगे नहीं? क्यों? क्योंकि ये हमारे फिर वही बात आ गई कि ये चोरी छुपाई कर रहे हैं ये लोग। बहुत बड़ी बात है कि भाई यूएन के अंदर जब बैठते हैं ना तो ये कहते हैं कि इंडिया के साथ पीस चाहिए, लेकिन जब हमारे सामने स्पीच करते हैं पाकिस्तान के अंदर तो कहते हैं कि भाई जंग करेंगे, कश्मीर चाहिए, ये करेंगे, वो करेंगे इंडिया के साथ। ऐसा क्यों? वहाँ पर कुछ और होते हैं, वहाँ दोस्ती ज्यादा है, यहाँ पर दुश्मनी करते हैं। इन लोगों के कारोबार वगैरह जो है वो सारे इंडिया में, आपको पता है। क्या हमें गुमराह किया जा रहा है? हाँ, हमें सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। आवाम जो हमारी आवाम है वो सोई है, वो जब जागेगी तो फिर पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इंपोर्ट ही चलता है, और अगर हम देख ले तो रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट हो रहा है। अभी एलसीआई बंद है, इम्पोर्ट बंद है, तो सारे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी जो प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, तो उनकी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, तो बहुत मसले मसाइल क्रिएट हुए हैं। और पाकिस्तान में तो सिर्फ असेंबलिंग होती हो सकती है और हो रही है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग तो मैंने नहीं देखी कि पाकिस्तान में पहले भी हुई, अभी भी नहीं हो रही, मतलब पहले भी नहीं हो रही थी, अभी भी नहीं हो रही मैन्युफैक्चरिंग। बात करें, आपने कहा असेंबलिंग हो रही है, ऐसे ही है। अगर हम कार इंडस्ट्री में देखें, आज तक कोई भी कार का ब्रांड पाकिस्तान में नहीं आया, जब भी हम देखते हैं तो लग्जरी ब्रांड्स बाहर से आते हैं और पाकिस्तानी प्रेफर भी करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आज की न्यूज की, इंटरनेशनल मीडिया हम पर हंस रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अब बिजली भी खत्म हो गई है। बिजली की अगर कल की शॉर्टेज देखें तो $70 मिलियन की हमें नुकसान हुआ, और जिस पर इंडिया ने हमें ऑफर दिया। क्या आपको लगता है हमें इंडिया के ऑफर कबूल करनी चाहिए? इससे पहले आगे बढ़े मैं बता दूं कि आपके यहाँ असेंबली जो होती है वो तो होती है, जो कार कंपनियाँ मैन्युफैक्चरिंग तो कभी करती नहीं थी। जो कार कंपनियाँ थी जैसे सुजुकी और टोयोटा, इन्होंने भी अपने प्रोडक्शन बंद कर दिए, अपना सारा बुरिया बिस्तरा बांध लिया है, और अब वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई कार कंपनी बचेगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात आपके देश में हो चुके हैं सब चीज़ बंद हो जाएगा। हमें तो इंडिया की ऑफर कबूल नहीं करनी चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के साथ अच्छी रिलेशन है, इसके अलावा हमारे आपको लगता है कि चाइना के साथ सिर्फ एक वाहिद एक मुल्क के साथ रिलेशन बनाकर आप दुनिया पर राज कर सकते? दुनिया पे तो राज नहीं कर सकते, सिर्फ अपने आवाम को अपने मुल्क को बचाए, बस ये भी हमारे लिए बेहतर होगा। आपको नहीं लगता कि हमें भी उन कंट्रीज के अंदर वैल्यूएबल रखना चाहिए, रहना चाहिए, जिनका नाम है? अगर हम देखें तो हमारी इज्जत कौन कर रहा है इस टाइम इंटरनेशनल मीडिया में? हम जब जाते हैं या हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो क्या इज्जत है, क्या वैल्यू? हमारे इंटरनेशनल लेवल में तो कोई इज्जत नहीं है। IMF ने भी मुंह फेर लिया है, और IMF ने भी अभी शरायत रखे हुए हैं, उस पर अमल दरामद होगी। सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल पे भी सेल टैक्स लग रहा है 17%, इस तरह के जिस आइटम में ड्यूटियां नहीं थी या कम थी उसमें भी ड्यूटियां ज्यादा हो रही है, तो सारा बोझ आवाम पे आएगा। ये बात है ना कि आज अगर हम सिर्फ चाइना पर डिपेंडेंट है, जहाँ हम पूरी दुनिया के लोगों, पूरी दुनिया के मुल्क लोगों के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि सब हमारे लिए स्टेप लेंगे जब भी मुश्किल वक्त आएगा? जहाँ हम मेड इन पाकिस्तान पे काम करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट हर जगह पे जाएगी। आज अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मीडिया जब हम पे हंस रहा है, वहाँ इंडिया की वाहवाही कर रहा है, और ये कह रहा है बरसगीर में जब अलग हुए पाकिस्तान और इंडिया बना तो उस टाइम पे दोनों के रिजर्व, दोनों की चीजें सेम थी, लेकिन आज इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के साथ अपने हर सेक्टर में अपना रिकॉर्ड कायम कर रहा है। एक्सपोर्ट उनकी 300 बिलियन जो है क्रॉस कर गई है। क्या समझते हो कि इतनी ज्यादा उनको वावई, क्या उनमें ज्यादा दिमाग है, क्या चीज है उनमें खासियत? इसका अच्छा जवाब मैं देता हूँ ना। देखिए क्या है कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में सबको समान अधिकार मिलते हैं। जब सबको समान अधिकार मिलते हैं तो सब समान तरीके से सोचते हैं, सब देश के लिए सोचते हैं। यहाँ पे यूनिटी है, सबको अपना काम पता है, वो देश के लिए काम करते हैं। आपकी तरह नहीं, आपके देश में क्या है, मजहबी सोच है। किसी से भी पूछ लो, उसके लिए उसको देश की ही नहीं पड़ी, उसको अपने मजहब की पड़ी है। उनके लिए मजहब फर्स्ट है, कंट्री सेकंड है, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया फर्स्ट है फिर रिलीजियस आता है।
इसलिए हमारे देश में तरक्की होती है, लगातार होती रहेगी। और भारत तो अभी आप देख कहाँ रहे हैं, आप देखिएगा इंडिया कहाँ जाएगा और आपका पाकिस्तान अभी और गर्त में शायद पहुंचे और नीचे जाएगा। इसका रीजन एक नहीं है कि आप एक रीजन सोचें कि पाकिस्तान में ऐसे, पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम कभी घुस कर देखिए, आप अपने बच्चों को जहरीला बना रहे हैं, आप उन्हें मजहबी सोच देते हैं। छोटे छोटे बच्चे दूसरे मजहब के लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। जब आप बचपन में ही नफरत के बीज बोओगे तो वो फूल तो बनेंगे नहीं, वो आपके देश के लिए कभी अच्छा नहीं सोचेंगे, उनके दिमाग में बस एक ही चीज़ घूमेगी, वो है इस्लाम। तो आप लोग अपना काम करते रहिए, अपने बच्चों को वही मदरसे छाप की पढ़ाई पढ़ाते रहिए, बस आपका देश बंटाधार की ओर बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा। असल में इंडिया जो है वो बिल्कुल हमसे आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। उसकी फिल्म इंडस्ट्री आप चेक करिए, क्रिकेट की जो इंडस्ट्री है, उसके जो एप्पल वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, बड़ी बड़ी जो कार्स कंपनी है वो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो वहाँ पे जो हुक्मरान है वो उसको सहूलियात दे रहे हैं, और जो ब्रांडेड बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पे तो किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं की, ना हमने किसी को मौका दिया है कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हम जो भी बड़ी कंपनियाँ आती है हम उसको उल्टा टैक्स ज़्यादा डाल देते, तो वो बांग्लादेश और इस तरह के इलाकों में चले जाते हैं और यहाँ पाकिस्तान छोड़। साथ आपको एक बात बताती चलूं कि उनके लोकल इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा है कि अभी एक बहुत बड़ी न्यूज आई है कि रतन टाटा, शायद आपने भी नाम सुना हो, जिनका सुई से लेकर जहाज तक मेड इन इंडिया पर मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ पर रतन टाटा जो है एप्पल की सबसे बड़ा प्लांट जो है वो खरीदने जा रहे हैं। कितनी बड़ी उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, जब वो अपने ही मुल्क के लिए खरीदेंगे तो अपने मुल्क में कितनी फैसिलिटीज देंगे। बिल्कुल, इंडिया तो मुल्क के लिए बहुत सहूलियात पैदा कर रही है, अपने लेबर के लिए और अपने आवाम के लिए वो बहुत ही कुछ कर रही है। मल्टीनेशनल ब्रांड वहाँ पे है और वहाँ पे जो बिजनेस है, बिजनेस इकोनॉमी है, वो हमसे नहीं वर्ल्ड लेवल पे टॉप 10 पे जा रहा है। उनकी जो लेबर तबका है वो भी अच्छा है, उनका सियासतदान भी हमसे बेहतर है और इनके जो ऑफिसर्स है वो भी अच्छे तरीके से लगते हैं। इस सारी सिचुएशन में हम इंडिया को बीट कर सकते हैं किसी एक सेक्टर में? किसी एक सेक्टर में भी हमने इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो लोग बोलते हैं ये बस फिल्मी ड्रामे कहानियां हैं, इंडिया हमसे बहुत आगे है, क्योंकि बांग्लादेश देख ले वो हमसे अलग हुआ है। और आप उसका इकोनॉमी चेक करें, पहले हम कहते थे कि आप एक टक्के के भी नहीं हो, अभी वो टक्का भी हमसे आगे है। टक्का हम मिसाल में याद करते थे, अगर आपको याद है, इस तरह हम अफगानिस्तान की करेंसी चेक करें तो वो भी तकरीबन 2.5 से ऊपर चला गया है हमारी। तो हमारी इकॉनमी तो बहुत लो लेवल पे आ गई है और डॉलर रिजर्व नहीं है और पेट्रोल नहीं है हमारे साथ, बिजली नहीं है यहाँ पे, गैस नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि आवाम क्या करेगी फ्यूचर में, ये जो हमारा यंग जनरेशन अभी आएगा या आने वाला है तो इनका क्या बनेगा, हमें तो इसकी फिक्र है। फॉर द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा के शेयर करना ना भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मिलूंगी कल एक नई वीडियो एक नए कंटेंट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो भाइयों वीडियो खत्म हो गई, तो इसमें कुल बात ये हुई कि इंडिया के जो है एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं और पाकिस्तानियों ने उस पर रिव्यू दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत तो लगातार तरक्की की ओर बढ़ ही रहा है, लगातार एक्सपोर्ट्स। जब किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग होती है, बिजनेस हब बनता है और इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होती है, तो सीधी सी बात है वहाँ एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, और एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा तो रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसे बढ़ेंगे और फिर उसकी इकोनॉमी भी अच्छी जाती है, फॉरेक्स रिजर्व अच्छे होते हैं। अब पाकिस्तान में तो कोई ऐसी चीज़ ही देखने को नहीं मिलती कि उन्होंने कोई चीज़ एक्सपोर्ट की हो, एक्सपोर्ट भी कब करेंगे जब वहाँ कोई चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होगी। वहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो है टेररिज्म, जिसका इन लोगों ने कभी भी जिक्र नहीं किया। आज तक वहाँ की सारी जनता मिलकर टेररिज्म के खिलाफ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाती। मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में डेजिग्नेटेड टेररिस्ट न जाने कितने पड़े हुए हैं, उस पर कभी किसी पाकिस्तानी ने एक शब्द भी बोला? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो खुद डरते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये जो लोग बोलते हैं कि हम जज्बे वाले हैं, वो जज्बे वाले नहीं है, सबसे बड़े डरपोक हैं, क्योंकि वो अपने देश में ही पल रहे सांपों के खिलाफ एक आवाज़ नहीं उठाते। तो सबसे पहले तो लोगों को अपने घर की सफाई करनी चाहिए, तो पाकिस्तान के लोगों से तो यही है कि वो अपने घर की सफाई पहले करें, दूसरे देश को बाद में देखें। तो भाई लोग यहीं तक था ये रिएक्शन, ये वीडियो, फिर दूसरे रिएक्शन में मिलेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। और हाँ भाई, वो लाल वाला जो बटन है सब्सक्राइब तो कर दो, अब वो काले रंग का हो चुका है।